नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप IAS में। दोस्तों, पिछली दो वीडियो में हम छोटी छोटी में ये डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेंड और पैटर्न कैसा रहा है और कैसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है। अब जल्दी जल्दी से पेपर देख लेते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आया है। हम पेपर को जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेट बी से, तो सभी अपने आंसर सेट बी के हिसाब से प्रश्नवार मिलाते चलें। इसके अलावा दोस्तों, आंसर की मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर चुका हूँ, कृपया उसे जाके देख लें। तो आ जाते हैं पहले प्रश्न में कि मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है। तो इसका आंसर है डी दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाता है ग्वालियर। तो दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरे प्रश्न में है मध्य प्रदेश विधानसभा 2014 से 18 तक के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर है सी, इसका आंसर है डॉक्टर सीताराम शर्मा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं हैं। तो दोस्तों इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ये पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो इसका आंसर है डॉक्टर भाई महावीर। तो इसके अलावा देखिए चौथा प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न आ जाता है मध्य प्रदेश किस राज्य की सीमा को नहीं छूता है। तो ये चौथा प्रश्न है दोस्तों, तो चौथे प्रश्न का आंसर हो जाता है बी गुजरात। तो इसके अलावा देखिए चार क्वेश्चन ये हो गए। पाँचवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। पाँचवा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा। तो ये पांचवा प्रश्न है और पांचवें प्रश्न का उत्तर है ए, श्री गोपाल शरण शुक्ल। वहीं छठा क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति कौन सी है। तो इसका आंसर छठे का आंसर हो जाता है दोस्तों सी, लोकसभा में विपक्ष के का नेता। तो इसके अलावा सातवां देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है दोस्तों। हाँ, तो इसका सातवें का उत्तर हो जाता है सी, जो कि है सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है। तो दोस्तों आंसर की मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप तब तक जो है इससे आंसर मिलाते चलिए। मगर दोस्तों ये आंसर आप मिलाते रहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते रहेगा। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके उत्तर कितने सही हो रहे हैं। अब आते हैं आठवें प्रश्न के ऊपर। आठवें प्रश्न का है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर है डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो नौवे पे आते हैं। नौवे का है कि भारत मानवाधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिए प्रयोजनार्थ भारत सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक, इसका जो उत्तर हो जाता है दोस्तों नवे का जो उत्तर होता है वो ए हो जाता है दोस्तों, यानी कि वर्ष जो इसकी अवधि है ये 5 है। तो आगे बढ़ते हैं, दसवें प्रश्न पे आ जाते हैं। दसवें प्रश्न में दोस्तों बहुत ही सरल सा प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। तो दसवें का उत्तर हो जाता है दोस्तों डी, जो कि है अक्षय तथा शासकीय। तो 11वें पे आ जाते हैं दोस्तों। 11वें प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों वो हो जाता है सी, जो कि है ऋग्वेद श्रेणी किस वर्ग के नागरिक थे। तो ये स्वर्णकार वर्ग के नागरिक थे दोस्तों। तो 12वें पे आ जाते हैं। 12वें में चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। तो दोस्तों 12वें का जो उत्तर हो जाता है वो बी हो जाता है दोस्तों, अंगराज्य के। 13वें पे आ जाते हैं। 13वें का उत्तर जो है इसका उत्तर हो जाता है बी, यानी कि जियाउद्दीन बरनी। 14वें पे आ जाते हैं दोस्तों। 14 जो प्रश्न है, 14वां प्रश्न जो है मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था। तो दोस्तों 14वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाता है डी, सिकंदर शाह। तो इसके अलावा देखिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न जो हो जाता है दोस्तों वो ये हो जाता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह किस वर्ग द्वारा पारित हुआ। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न का उत्तर हो जाता है दोस्तों, इस प्रश्न को आप अगर सरलता से देखें तो ये प्रश्न जो है बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग को देख रहे हैं, तो ये 15वें का प्रश्न हो जाता है, इसका उत्तर हो जाता है बी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। 15 प्रश्न के अलावा 16वें प्रश्न पे आते हैं। 16वें प्रश्न का जो उत्तर है उसका उत्तर हो जाता है ए। 17वें पे आते हैं। 17वां प्रश्न जो होता है आपका, उसमें पूछ रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम
कब आरंभ किया गया? तो दोस्तों बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका आंसर हो जाता है दोस्तों बी, सितंबर 2014। तो आगे बढ़ते हैं कि निर्यात उत्कृष्ट में शहर मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है? तो दोस्तों ये आपका हो जाता है 18वें का उत्तर हो जाता है दोस्तों बी, यानी कि सागर रह लाम। तो 19वें पे आ जाते हैं, 19वें का उत्तर हो जाता है दोस्तों डी, गृह मंत्रालय। जिसका एक प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है, तो गृह मंत्रालय डी, डी उत्तर उसका हो जाता है। 20वें प्रश्न पे आ जाते हैं, मध्य प्रदेश का मुख्यालय है? दोस्तों ये बहुत ही सरल सा प्रश्न है, 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है सी, जबलपुर। आइए आगे बढ़ते हैं, 21वें प्रश्न का देखिए उत्तर। 21वें प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि निम्न पुरस्कारों को प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ के बाद का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए इसमें 21वें का उत्तर हो जाता है डी, यानी कि डी देखिए 3-2-1-4, यानी कि अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले आया, उसके बाद आया ध्यानचंद्र पुरस्कार, उसके बाद आया राजीव गांधी खेल पुरस्कार, और उसके बाद आया द्रोणाचार्य पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो दोस्तों मैंने ये सभी चीज़ें जो हैं आपको MPPSC के जो हमने स्पेशल 2-3 वीडियो बनाए हुए थे उनमें डिस्कस की हुई हैं, आप वो जाके देखें तो आपको लगेगा कि हम कितने सटीक जो है MPPSC को प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नीरज चोपड़ा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम 22 प्रश्न अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, 23वें से बात करते हैं। 23वां प्रश्न है कि 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? तो 23वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है दोस्तों डी। 24वें प्रश्न पे आ जाते हैं, 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में के आयोजन किस शहर में होगा? तो दोस्तों 24वें का उत्तर हो जाता है सी, यानी कि पेरिस में होगा। तो 25वें पे आते हैं, 25वें और 26वें का उत्तर देखते हैं, IAAF का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि 25वें का उत्तर आपका हो जाएगा ए, ये स्विट्जरलैंड में है। वहीं JSP 26वां प्रश्न देखते हैं, इसका उत्तर हो जाता है बाबा सिंपल पैसेज। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 27वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 27वां प्रश्न है कि बिग एक वेब सर्च इंजन, बिंग एक सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन डैश द्वारा किया जाता है? तो ये 27वां प्रश्न जो है दोस्तों उसका उत्तर हो जाता है बी, बाहू। तो आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न पे, 28वां प्रश्न है वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है? 28वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है दोस्तों ए। अब 29वें प्रश्न पे आते हैं, 29वां जो प्रश्न है दोस्तों उस 29वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है ए, स्कैनर प्रिंटर और मॉनिटर। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर, 30वां प्रश्न है कि डैश अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी भी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी एक्सेस करने का तरीका है? तो 30वां प्रश्न जो है दोस्तों 30वां प्रश्न का उत्तर हो जाता है बी, बुकमार्क। तो दोस्तों 30 प्रश्न हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, आगे 30 प्रश्नों की अगली सीरीज जो है हम वो लाएंगे, 30-30 करके हम 4 सीरीज में इसको डिवाइड कर लेंगे ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना बने। तो आगे आप लोगों को जो भी डाउट्स हों, अगर कोई भी गलती भी हो जाए तो वीडियो को जो है आप लोग वो कर दीजिएगा, क्षमा चाहेंगे, और कमेंट में जो है अगर कोई भी गलत होता है तो हम उसको दोबारा से पिन कर देंगे। फिलहाल मैं टेलीग्राम चैनल पर अपनी पूरी आंसर की अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग उसे जाके देख लीजिए। तो दोस्तों 30 प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं फिलहाल तक, आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो में 31 से लेके 60 प्रश्न, उसके बाद तीसरी वीडियो में जो होगा अगले 30 प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।